गाइज आज हम बात करेंगे एक फिल्म के सीक्वल की जिसकी टिकटें थिएटर से लीक हो चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डूम 3.0 की। रीसेंट हिस्ट्री में कोई भी फिल्म उठाकर देख लो, दूसरा पार्ट चल भी जाए तीसरा पार्ट खिंचा खिंचा ही रहता है। फिल्म को हिट करने के चक्कर में डायरेक्टर ने अपनी तरफ से सब मसाला डाल दिया है। इसमें एग्जाम हाइस्ट के शॉट्स हैं, रेलवे एक्सीडेंट के एक्शंस हैं, और तो और प्रोग्रेसिव राइटर्स के साथ बदला भी है। मल्टी स्टारर फिल्म है लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने एक भी मुसलमान को कास्ट नहीं किया। तीन तीन एक्टर्स लीड में है लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक भी सीन नहीं डाला। फिल्म नई है लेकिन डायलॉग्स वही हैं। पुरानी बहू की छुट्टी हो गई है लेकिन पॉपो की नई परी की एंट्री हो गई है। पुराने लीड का स्क्रीन टाइम घट गया है और नए कैरेक्टर एक्टर्स में बढ़ गया है। सेट वालों ने अच्छा काम नहीं किया, कहीं दरारें पड़ गई हैं, कहीं छत लीक कर रही है। स्क्रिप्ट राइटर्स को भी पूरे पैसे नहीं मिले शायद, इसीलिए सेट की चीजें कभी रेलवेज तो कभी एयरवेज को खराब बताकर बेचने पे उतारू हैं। फिल्म में वॉल्यूम का कुछ इशू है, इसका स्पीकर बस राइट साइड में ही बजता है। आप भी चेक करके बताओ।